विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करित हैं। शुरुआत करित हैं रीवा जिला से, जहां भूमाफिया आपन जड़ इतनी गहराई तक पहुंचाए दहीन के अब शहर से लेके गांव तक पुस्तैनी जमीन नहीं बच पावत ला गया। बताए दी कि यह मामला मगुरिहाई के आए, जहां के भूमि स्वामी बैजनाथ सिंह के रजिस्ट्री सुधा जमीन राम सखा और अन्य लोग मिल के बेच नहीं थी। बताए दिए कि यह मामला के खुलासा समाज सेवी विश्वनाथ पटेल के द्वारा कीन गा और बतावा गा कि बैजनाथ सिंह के जिंदा रहते या धोखाधड़ी कीन गए रही और उनके खत्म होते जमीन के बंदर बाट कीन गा और कईक लोगन का बेच दीन गा। आई अपना पंचन का सुनाई थे पूर्व मामला का लेके विश्वनाथ पटेल का मा कही नहीं। ये आज रीवा जिले के हजूर तहसील के ग्राम मगुरिहाई के 5 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का मामला है। कई लोगों ने मिलकर के 88 शुदा जमीन की फर्जी ओट रचना करके फर्जी तरीके से अपने नाम नामांतरण करा लिया और उसको कई भूमाफियाओं के को बेच दिया गया है। और बैजनाथ सिंह के रजिस्ट्री शुदा 1992 में रजिस्ट्री शुदा जमीन है, जिसको राम सखा वगैरह लोगों ने मिल करके और बंदोबस्ती के समय कूट रचना करके अपने नाम करा लिया। जब तक बैजनाथ सिंह जिंदा थे तब तक इन लोगों ने किसी भी प्रकार की जमीन पर हस्तक्षेप नहीं किया। जैसे उन लोगों ने बैजनाथ सिंह की डेथ हो गई, मौत हो गई, उसके बाद उन लोगों ने जमीन पर हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जबकि बैजनाथ सिंह के वारिसान अभी भी कब्जा दखल कर रहे हैं। इसके बाद भी तमाम न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं, क्योंकि जब कूट रचना करके राम सखा वगैरह अपने नाम जमीन कराए, इन लोगों ने कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया कि हमारा खसरा सुधार किया जाए। 1993 का कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश किया गया कि इसमें खसरा सुधार कर बैजनाथ सिंह के नाम फिर से जमीन की जाए। अभी अपर कमिश्नर के द्वारा 2022 में इनके पक्ष में फैसला है। इसके बाद भी राम सखा के वगैरह के जो बारिश है, समयलाल वगैरह, इन लोगों ने जमीन को बिक्री कर दिया, जबकि सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बाद भी कई लोगों को, जैसे धर्मेंद्र सोने और अरुणम अग्रवाल और स्वर्णिमा सिंह, भीम सेन सिंह, नृपेंद्र सिंह बघेल को इन लोगों ने जमीन कर जमीन अभी भी ये दखल और अमल कर रहे हैं। वहाँ अभी फसल बोई हुई है और इसके पहले जो उससे ये बाईपास निकला उसका मुआवजा भी उन लोगों ने ले लिया जो भूमाफिया पहले से इन लोगों को बस्ती के समय इन लोगों ने अपने नाम कूट रचना करा के लिए। तमाम तरह की शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में शिकायतें की गई कि करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा जमीन में किया गया और उस जमीन को हथिया करके और भूमाफियाओं के हाथ में बेच दिया गया है। इस संबंध में FIR दर्ज किया जाए भूमाफियाओं के खिलाफ। चौराहटा थाने में 1 महीना पहले इस संबंध में आवेदन दिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि मीडिया के माध्यम से एक बात तमाम प्रशासन और प्रशासन को अवगत कराएं। हो सकता है कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि अब कोई आंदोलन करना पड़ेगा इस संबंध में, तभी शासन प्रशासन के जो डायनासुरी नीत से जागेंगे। इस तरह के मामले हैं और रीवा में तमाम तरह का फर्जीवाड़ा और ये जिला प्रशासन की सह पर निश्चित रूप से चल रहा है। इसी संबंध में हमने आप लोगों को आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी। अब यदि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि चुनावी दौर चल रहा है, हो सकता है 10 दिसंबर के बाद फिर से एक बार हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी का आगमन हो। यदि मुख्यमंत्री का आगमन होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिल करके इस संबंध में हम उन्हें अवगत कराएं। यदि नहीं कराते, यदि प्रशासन और प्रशासन हमको मिलने नहीं देता, क्योंकि मैं 10 दिसंबर को मिलने के जो बदवार सोलर पावर प्लांट में भी मुख्यमंत्री जी ने सुरंग का उद्घाटन करने आए तो हम मिलने की कोशिश किए थे, तो हमारे घर में पुलिस प्रशासन भेज करके मुझे घर में नजर कैद कर दिया गया, मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि उनको ये लग रहा था शासन प्रशासन को, जिला कलेक्टर को, कि हो सकता है ना मिलने दिया जाए तो कहीं वो बैठ जाए, इसीलिए उन लोगों ने मिलने से प्रतिबंध कर दिया और तमाम पुलिस भेज करके हमें घर में कैद कर दिया गया। तो हो सकता है ना मिलने दिया, यदि नहीं मिलने दिया गया तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मिलने दिया जाए, नहीं मिलने दिया जाता तो कहीं ना कहीं हम ऐसे रास्ते पे, जिस रास्ते से वो गुजरेंगे उसी रास्ते पर धरने में हम जरूर बैठेंगे, ये मेरी कोशिश रहेगी। बड़ी खबर रीवा जिला से अवल्ला ही, जहां सगी 3 बहनी के पानी में डूबे से मौत हो गई।
बताई दी कि यह मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के इटौरा के आए, जहां ग्राम पंचायत कोल्हाई से निकली नहर नहाए खेती पहुंची एक बहिनी का डूबत देख के दूसर बहिनी नहर में छलांग लगाए दीस। और जब दोनों बहिनी पानी में डूबे लगी तब मौका में मौजूद बड़ी बहिनी नहर में कूद गए, लेकिन तीनों के डूबे से मौत हो गए। घटना के जानकारी मिलते ही क्षेत्र में कोहराम मच गया। घटना के जानकारी पुलिस का दिन गए तो मौका में पहुंची पुलिस तीनों बहनिन के सब का बाहर निकलवाई। बताए दे कि पुलिस सब के पोस्टमार्टम कराए के परिजनन का सौंप दी सी, वही परिजन उचित मुआवजा के मांगो करत लांग है। हम नहीं थे यहाँ, काम में थे। काम में जब हमको पता चला तब हम लोग यहाँ तीनों बिट्टी बिटियन पे हमारे निकाल के रख के थे। साहब लोग आए तो हम लोग देखे इधर नहीं है। आपको क्या पता चला? ये बाद में फोन लगा के बात किया गया। कुल कितने बच्चे बच्चे थे आपके? आपके हमारे साथ लड़के हैं, चार लड़की हैं, तीन बच्चे। सात साल में हमको क्लेम चाहिए सर, जब हमारी मौत तो हो गई सर। अब हमको क्लेम तो चाहिए है जी। हाँ, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में इटौरा के पास घटना हुई है। नहर में तीन लड़कियां डूब गई हैं और इनकी पूछताछ करने पर पता चला परिजनों से कि ये लड़कियां नहाने के लिए गई थी, जहां इनकी डूबने के दौरान मृत्यु हो गई है। इन बच्चे कौन है? ये मजदूर वर्ग से हैं और इनके पिता यहाँ पर किराए से मकान लेके रहते थे, तो उन्हीं की लड़कियां हैं जिनकी डूबने से मृत्यु हुई है। हम तीनों बहने हैं, तीनों सगी बहने हैं। जी हाँ, सगी बहने हैं और एक की उम्र 18 साल है, एक की 14 साल, एक की 16 साल। सभी जी एक ही परिवार के। जी जी। रीवा जिला के सिमौर थाना के अंदर आवे वाले बरदहा घाटी के लगे करीब 12 बजे के लगभग जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 3 इंजीनियर जीना वर्मा पति शिवसूरत वर्मा के सड़क हादसा में मौत हो गए। जेघर खबर लगता है सगले तराई क्षेत्र में शोक के लहर छाए गए। बतावा जात है कि इंजीनियर जीना अपने पति शिवसूरत वर्मा के साथ रीवा जात रही हैं। तब सिरमौर से बरदहा घाटी के लगे ट्रक के टक्कर से सड़क दुर्घटना में मौत हुई है और उनकर पति शिवसूरत वर्मा सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हुई है, जिनका तत्काल संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है, जहाँ पर उनकर हालत नाजुक बताई जात लागी। बाइक किनारे कर दीजिए भैया, तो वो बाइक कहाँ कर दीजिए? इसको ऐसे सीधा कर दो, ऐसे कर, बाइक हटा दे सर आगे। हाँ, बाइक आगे कर दीजिए। शिवसूरत वर्मा वो इंजीनियर वर्मा नहीं सर, बिल्कुल क्या है उसका इंजीनियर वर्मा बहुत ज्यादा एक खत्म हो गए वो जिला पंचायत सदस्य वार्ड क्रमांक 3 कौन वो क्या नाम है इंजीनियर वर्मा वो बताएंगे इंजीनियर वर्मा है वो उसका उसका वो इंजीनियर वर्मा बतला रही है इनकी मिसेज है। अच्छा भैया का नाम है शिवसूरत वर्मा। शिवसूरत वर्मा हाँ इन्हीं की मैडम अभी अभी जिला पंचायत सदस्य जीना वर्मा का दुखद निधन हुआ, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी अभी एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है कि इंजीनियर जीना जी जो वार्ड क्रमांक 3 की जो है जिला पंचायत सदस्य थी, उनका सड़क दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो गई है। इसी वजह से हम लोगों ने आज की ये सामाजिक सद्भावना संगम का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर लिया है और उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त किया है और उनके इस दुखद समाचार को सुन करके हम लोग बहुत ही विक्षिप्त हैं और काफ़ी इस दुर्मा वातावरण में मैं उन्हें जो है और उनके उनके उनको जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा उनके परिवार को जो है इस शोक संवेदना में सहन करने की शक्ति उन्हें ईश्वर प्रदान करने ये मैं कामना करता हूँ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करे व भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रकट करी और विदेश मंत्री के पुतला फूंका गया है।
इन बीच गौरव तिवारी कहिन के विदेश में जाए के पाकिस्तान के मंत्री के अनर्गल प्रलाप करब अशोभनीय है, या भारत की जनता बर्दाश्त ना करी। श्री तिवारी भारतवासियन से अपील करी नहीं कि अगर बिलावल भुट्टो मिले तो उनका जूतन के माला पहनावा जाए। आइए अपनो पंचे सुनी प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव तिवारी कौन तरह के आक्रोश जाहिर करी नहीं। बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में विदेश में जाकर जो अनर्गल बातें की हैं, उसके विरोध में हम भाजपा के कार्यकर्ता उनका पुतला यहां दहन करने आए हैं। देश के मान सम्मान के लिए, प्रधानमंत्री के मान सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा भारत देश हर जो भी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है देश के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता आया है, प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस के विरोध में हमेशा रहा है, उसके विरोध में आज पूरा देश का जनता आक्रोशित है। हमारी पार्टी पूरे देश में इस विरोध में उनका पुतला दहन कर रही है, उनके खिलाफ प्रेस वार्ता कर रही है, और हम ये सहन कतई नहीं करेगी। देश की जनता कभी ये सहन नहीं करेगी कि नरेंद्र मोदी का कोई भी विरोध इस तरह से किया जाए किसी भी देश के द्वारा। इनको मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि देश विदेश में जहां भी भारतवंशी हो, इस बुलावल भुट्टो को जूते का महला माला पहनाए, जहां भी मिले वहां जूते का माला पहनाए। जिस तरह से इसने बात किया है गुजरात के विषय में, जो बात किया है उसका परिणाम अभी जनता ने दिखा दिया है। और हम तो हंसी आती है विरोधियों पर भी, जो हमारे यहाँ के विरोधी हैं वो इस पर हास्य और प्रलाप कर रहे हैं, वो मतलब बिलावल भुट्टो के बयान को एक तरह से समर्थन दे रहे हैं, तो ये कतई अपेक्षित नहीं है और हम इसे कतई सहन नहीं करेंगे। नाली बनावे वाली कंपनी के बड़ी लापरवाही सौहे आई ही, जोने के कारण एक वृद्ध के जान आफत में फंसी गए। बताई दे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रह वाले बाबूलाल वर्तमान में सीधी जिला के रामपुर नैकिन में रह के मजदूरी करत है। बाबूलाल रात में 10 बजे अपने घरे में सोवत रहे हैं और सुबेरे गड्ढा में मिले। बताई दे कि बाबूलाल जौने कमरा में सोवत रहे हैं, वो कमरा के सामने नाली बनावे की खेतिर जेसीबी के द्वारा खुदाई की जात रही है, जेखर जानकारी बाबूलाल का नहीं रही है। बाबूलाल जब सोइन तो सड़क बराबर रही, लेकिन सवेरे उठिन तो जेसीबी मशीन नाली खोद के जा चुकी रही, जौने माँ उ समाये गए रहे और गंभीर रूप से घायल हुई गए। सवेरे परिवार के लोग उठे और बाबूलाल का नाली माँ पड़ा देखे, जेके बाद इलाज की तीर अस्पताल पहुंचावा गा। घायल की हालत गंभीर हुई के कारण संजय गांधी अस्पताल रीवा रेफर कई दिन का है। घायल के परिजन बताएं कि नाली की खबर न हो के कारण यह घटना हुई गई। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिवंश। उनका? बाबूलाल। क्या हुआ इनके साथ घटना? घटना वही हुआ है कि जैसे रोड के बाजू में रूम था, रूम में सोए थे, रात में पेशाब लगा, गेट खोल के निकले, वो जेसीबी से ऐसा में गड्ढा खोदा था रोड के बगल में पाइप डालने के लिए और उसमें गिर गए। जेसीबी कब खोदी है? रात में? रात में जैसे 10 बजे रात तक वो गड्ढा मारा जेसीबी खोद दिया। हाँ, ठोक नहीं दिया, खोदा है ना, गड्ढा खोदा है। हाँ, जैसे गड्ढा खोदा था और निकले पेशाब करने में उसमें पैर पड़ गए। इनको मालूम नहीं था? इनको मालूम नहीं था, ये गड्ढे में गिर गए। इनको तुमको मालूम नहीं था? क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के रहने वाले हैं, बाबूलाल। बाबूलाल और अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं? रामपुर में रहे, रामपुर में काम करने आए हैं, मजदूरी। हाँ, मजदूरी। कैसा खींच रहे हैं? आज खातिर इतने। बघेली में विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। नमस्कार।